जी के स्कीम दे रहे हो पशुपालकों को? जी पशुपालकों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो मुनाफा दे रही है कंपनी, जो बाहर जो परचेजिंग रेट है उससे काफ़ी डिस्काउंटेड यहाँ दे रहे हैं, साथ में कुछ फ्री गुड्स भी दे रहे हैं। अच्छा, जो पशुपालक यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास तो उनके लिए विशेष ऑफर रखे जी आपने? विशेष ऑफर यही है कि यहाँ पर तीसरे दिन यहाँ लक्की ड्रा निकाला जाएगा। ओके जी, जितने भी जो फार्मर आएंगे उनमें से टीम को सिलेक्ट करके अच्छे नाम निकाल ले जाएंगे। हरियाणा मैडम वही लक्की ड्रा की मौज हो रही है, हरियाणा सरकार भी निकाल रही है और ये अपना एनिमैक्स हेल्थ केयर कंपनी है जिसके प्रोडक्ट आते हैं एलडीएम और न्यूट्री डाइट, जो ये बहुत ही प्रचलित प्रोडक्ट हैं और इन पे ड्रा निकाले जाएंगे लास्ट दिन। तो आप आए यहाँ से ड्रा लेना ना भूलें भाई, सभी पशुपालक ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें और अपना ड्रा कूपन जरूर। इसके बारे में बताएं जी, वो पीछे लिख रहा है क्या रामबाणी लाजी, ये क्या है? ये अपना प्रोलप गार्ड है जी, प्रोलप्स की जो समस्या होती है पशुओं को, जो पशु खून दिखाते हैं उसके लिए है ये प्रोलप गार्ड, अपना रामबाण काम करता है। वो जो समस्या होती है पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण होती है, अपने प्रोलप गार्ड के अंदर एक्स्ट्रा कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन कर रखा है। 600 ग्राम की पैकिंग में प्रोलप गार्ड अवेलेबल है, अपने 150 ग्राम प्रोलप गार्ड, 200 ग्राम बेसन और 150 ml अपना देसी घी, तीनों को मिला के पेड़ा सा बना के 4 से 5 दिन लगातार देना है। बहुत बढ़िया काम है ये, जो पशु ब्याने से 1 महीना पहले समस्या काफ़ी देखी जाती है कि प्रोलप्स की समस्या आती है पशुओं को, वहाँ पे आप अपना प्रोलप गार्ड अपना देखे देखे रामबाण इलाज अपने प्रोलप गार्ड। ये वह दिखाओगे जी प्रोलप गार्ड? आप बिल्कुल दिखाएंगे जी ये प्रोलप गार्ड अपना। MRP और दिखाना सर? MRP इसका 422 रुपये है। यहाँ पे इसके लिए भी विशेष ऑफर हमने निकाला हुआ है मेले के अंदर, इसको हम 350 रुपये में दे रहे हैं, पशुपालकों के लिए हमने एक्स्ट्रा ऑफर कर रखा है। तो ये हर्बल प्रोडक्ट है जी? हाँ, हर्बल प्रोडक्ट भी है, इसमें कुछ जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी हैं और साथ में इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन है। इसके देने से जो दूध तो नहीं कम हो जाएगा पशु? नहीं, दूध वगैरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। जो पशु के मतलब कि जो बच्चेदानी लिगामेंट जो होता है उसके आसपास की जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे पशु में प्रोलप्स की समस्या आती है, उसको ये मजबूत करेगा मांसपेशियों को और वो जो पशु को जो बच्चेदानी और सामान्य स्थिति में रहेगी वो पशु जो है जोर लगाएगा तो भी वो जो प्रोलप्स की समस्या नहीं रहेगी। ओके, अब कैल्शियम नहीं एलडीएम चलेगा, इसके बारे में बताएं जी। सर ये अपना एलडीएम आता है, जो पशु को दूध से रिलेटेड कोई भी समस्या है, किसी भी कारणवश पशु दूध से चला गया है, चाहे काफ डेथ हो गया, मिल्क फीवर है, किटोनिस है, किसी बीमारी के या मौसम के बदलते पशु दूध से चला गया है, उसको उसके पूरे दूध पिलाने के लिए 100 ml सुबह 100 ml शाम को डेली पिलाएगी। यदि कोई ताज़ा पशु भी आया है उसको 15 दिन पिला दो जी, पूरे साल आपको कोई कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कैल्शियम रहेगा, पूरी फास्फोरस की मात्रा रहेगी और दूध में पूरा फैट रहेगा जब तक पशु दूध देगा। अच्छा सर जी, तो अब कैल्शियम पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं? अब कैल्शियम पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, साल में एक बार पिलाएं, एलडीएम जरूर पिलाएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ जी, पहुँचाने वाले टीके से छुटकारा दिलाए व दूध बढ़ाए? पहुँचाने वाले जो टीका है ये सरकार ने बैन किया हुआ है जी। Okay. इससे हमारी माताओं बहनों पे भी एक गलत इफेक्ट पड़ता है जी, इसके दूध को पीने से महिलाओं के लिए? हाँ, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी नसपुरता की दिक्कत आती है जी। अच्छा, उससे भी छुटकारा दिलाने के लिए आप एलडीएम पिलाओ जी। ना छुटकारा जैसे मैं समझ जानी सर, जैसे महिला जैसे आप इंजेक्शन लगा रहे हो पशु को, हाँ हाँ, तो वो उसका हैबिचुअल हो जाता है, उसका दूध भी नुकसान करता है जी। ओके ओके, आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, आप एलडीएम लेके आए 3 लीटर 100 ml सुबह 100 ml शाम को दूध निकालने से आधा पौना घंटा पहले पिलाएं जी। ओके, आपका पशु 15 दिन के अंदर सुआ छोड़ देगा जी, गारंटेड है इस चीज की जी। जो पोषने वाला टीका लग, हाँ जी, वो पोषने वाला टीका लगाने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं 15 दिन बाद एलडीएम पिलाने की जरूरत, बस एक बार एलडीएम पिलाओ पूरा ब्यांत दूध पाओगे। ओके, धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छा लगे आपसे पशुपालकों के लिए जानकारी जानकर, थैंक यू। वेलकम सर। Mm-hmm.